इसके लिए हमने यहाँ पर 8 से 10 आलू लिए हैं। इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें एक बड़ा प्याज बारीक कट करके डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट, चाट मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, हरा धनिया, सभी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा आलू का मसाला बनकर रेडी है। अब गेहूं के आटे की रोटी बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से फ्लैट करके अच्छे से एक बार बेल लेना है, तो ज़्यादा नहीं बेलेंगे। अब इसके बीच में हम आलू की फिलिंग रखेंगे और चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए इसको हम इसकी बाउल शेप बना लेंगे। और अब इसको नीचे से आटा स्प्रिंकल करके ऊपर इसको रखकर अच्छे से हल्के हाथों के साथ बेल लेंगे। तो ज़्यादा इसको दबाकर नहीं बेलना है आपने, बिल्कुल ही हल्के हाथों से बेलेंगे तो आपकी रोटी फटेगी नहीं। तो देखिए हमारी रोटी बिल्कुल रेडी है। अब हम एक तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। हमने यहाँ पर देसी घी लगाया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल या घी लगाकर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक सकते हैं। तो इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा बनकर रेडी है। तो ऐसे ही हम सभी पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसे आप दही के साथ और मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए।